गुड मॉर्निंग मेंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोगों के पास सेशंस में क्लासेस में डिस्कस हुआ है कि जो भी ये वैल्यूएशन का टॉपिक है हमारा फॉर द आई बी एग्ज़ाम ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इसमें हमारे पास दो तरह के मेजर टॉपिक्स हैं एक तो वैल्यूएशन और दूसरा केस स्टडीज अब इनके साथ साथ है तो ये मेजर पोर्शन अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव मार्क्स बट इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं एक तो है हमारे पास प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो कि सी ए पी एम हो गया और बीटास हो गई ड्यूरेशन की बॉन्ड्स की वैल्यू करनी है किसी बिजनेस की कैश निकालने हैं एंड ग्रोथ ये वो सो है ना सेकेंड तरह के मेरे पास एक क्वेश्चन आते हैं जो प्योर थ्योरी क्वेश्चन है जिसमें कि कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की किसी टीचर की आपको कोई जरूरत नहीं होती है पर स्टिल होता क्या है क्योंकि हम लोग इन सब्जेक्ट से आउट ऑफ टच होते हैं और दोबारा खुद पढ़ने की उतनी हिम्मत नहीं हो पाती इसलिए एक बार के लिए अगर मेरी बोल बोल के आप सुनते जाओगे हो जब बाद में भी आपने जिस दिन ये होना हो चैप्टर की दो दो तीन तीन क्लिपिंग्स होंगी हार्डली है ना? तो ये आपके सारे के सारे एमसीक्यूज को जो कि प्योर थ्योरी है तो प्रैक्टिकल्स हैं वो तो हम लोग सेशंस में कवर करते हैं डिटेल में है ना जो प्योर थ्योरी है जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नहीं थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन किसी किसी पॉइंट पे जरूरत पड़ती है

सो दैट देर विल बी नो एन नो सच प्रॉब्लम है ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास पहला पॉइंट है पहला क्वेश्चन है वो है कि ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है जो आपको फिक्स रिटर्न फिक्स पीरियडिकल रिटर्न देती है और इवेंचुअल रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करती है ना सो दैट इज बेसिकली फिक्स इनकम सिक्योरिटी जिससे फिक्स रिटर्न भी लास्ट में मिल, आपको ड्यूरिंग द टाइम मिलती रहती है और लास्ट में आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट भी हो जाती है सेकेंड मुझसे पूछा हुआ है

वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी सर मार्केट लिंक्ड इनकम सिक्योरिटी क्यों नहीं या इंडेक्स लिंक्ड क्यों नहीं हो सकता दिस इज अ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ वेरिएबल सिक्योरिटी वेरिएबल का जब फिक्स के साथ कंपैरिजन की बात आई तो वेरिएबल इज अ मोर ब्रॉडर टर्म दैट कैन बी कवर्ड हियर है ना तो उस सिचुएशन में हमारे पास वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी इन दोनों को भी अपने बीच में कवर कर लेती है इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर

विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर टू इन्वेस्ट इन फिक्स इनकम से कौन सा फीचर नहीं है एक तो हर शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना है लिक्विडिटी कैन बी यूज एजेटर डाइवर्सिफिकेशन कैन बी यूज एज ए कलेक्टर हम सब लोग जानते हैं कि जो भी आपकी फिक्स सिक्योरिटी होती है बॉन्ड्स होते हैं डिवेंचर्स होते, होते हैं उनको हम लोग एज अ सिक्योरिटी अपने पास किसी जगह पे लोन लेने के लिए मॉर्गेज के रूप में रख सकते हैं कलेक्टर रख सकते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट दाउ

फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट मोस्टली गवर्नमेंट ऑल्सो कॉर्पोरेशन ऑल्सो अदर एंटिटी ऑल्सोट इज द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप इन फिक्स इनकम सिक्योरिटी प्लान इज लो रिस्क लो रिटर्न इसमें रिटर्न एज होती हैं, बट कम्पेरेटिवली रिस्क भी कम होता है काफी। देन इट लैंडर इज अगेन इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट इश्यूड बाई अ ट्रस्ट कंपनी विदिक्स एंड टर्म ट्रस्ट कंपनी जो है वो इश्यू करती है जिसकी डिवेंचर और बॉन्ड्स की तरह ही फिक्स्ड रिटर्न होती है फिक्स्ड मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है हमें दैट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जीआईसी शॉर्टकट में बोल देते हैं इनको हम लोग ब्रॉडर इसके टर्म है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स आर इशूड बाय ट्रस्ट कंपनीज हैविंग अ मैच्योरिटी डेट एंड आल्सो अ फिक्स्ड टर्म ठीक है देन इज एन ऑब्लिगेशन और लोन मेड बाय इन्वेस्टर टू एन इश्यूअर ट बॉन्ड सर इनमें नहीं होता है इनमें क्या होता है की ये जनरली डिस्काउंट पर इश्यू कर दिए जाते हैं अगर आपको बाद में सौ रुपए की फेस वैल्यू मिलनी है तो आपको आज नब्बे रुपए का इश्यू कर दिया जाएगा तो फिक्स पीरियोडिकल पेमेंट्स वाला आपका

The short term bonds have a maturity of pure theory 1 to 3 years. 1 to 3 week will be short term. 3 to 10 will be medium term and 10 say greater than is long term. Second question: medium term bond has a maturity of 3 to 10 years. The long-term bonds have a maturity of more than the question is more than 10 years. A bond whose price is equal to its face value is call to be sold at par value 1000 की फेस वैल्यू 1000 पे बिक रहा है तो par value पे बोलते हैं उसको हम लोग अगर उससे ज्यादा पे बिक रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम पे या above par उससे कम पे बिक रहा है तो उसको हम बोलते हैं below par या डिस्काउंट पे है ना उसके बाद मेरे पास आया which of the following is a kind of fixed deposit इनमें से कौन सा जो है फिक्स्ड डिपॉजिट है बैंक का भी फिक्स्ड डिपॉजिट है और कंपनी का भी डिपॉजिट है both a and c दोनों ही एक काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं

जहां पे कंपनी में रिस्क ज्यादा दिखेगा इसलिए कंपनीज के बॉन्ड्स की फिक्स डिपॉजिट्स की भी या डिपॉजिट्स की भी जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो जनरली थोड़ा सा हायर होता है रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर के लिए क्या होता है इंटरेस्ट रेट द मंथली इनकम स्कीम ऑफर ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज अ फाइव ईयर स्कीम थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था कि जनरली फाइव ईयर स्कीम होती है मंथली इनकम स्कीम इनकी अगेन प्योर क्वेश्चन मस्ट बी रिमेम्बर्ड पोस्ट ऑफिस की जो मंथली पेमेंट स्कीम है मंथली इनकम स्कीम है दैट इज फॉर फाइव इयर्स

और the, भी सारे के ही आपके है जो अभी मैं करके ही हूं आर दर्म इंस्ट्रूमेंट बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर कौन से ऐसे बॉन्ड इशू करता है जिनके पर्पज क्या होता है कि अभी -अभी सरकार को लिक्विडिटी का मतलब है कि अभी -अभी पैसों की जरूरत है तो वो कैसे अरेंज होंगे है ना तो देट इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स आर जनरली इशूड बाई आर बी आई टू

ट्रेजरी बिल्स आर ट्रेडेड ऑन सेकेंडरी मार्केट ये क्या है सर प्राइमरी मार्केट मार्केट सेकेंडरी इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पास प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां पे हमारे पहली बार जब आईपीयू निकलते हैं अगेन सिक्योरिटीज का तो जहां ट्रेड किया जाता है उसको टेक्निकली फाइनेंस की लैंग्वेज बोल देते हैं हम लोग प्राइमरी मार्केट जब फर्स्ट टाइम ट्रेड होते हैं फर्स्ट टाइम इशू होती है कोई सिक्योरिटीज जब उसके बाद ट्रेड होते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट तो इसलिए वो बोल रहा है आपको ट्रेजरी बिल्स आर ट्रेडेड ऑन कहा ट्रेड हो रहे होते हैं आंसर इज सेकेंडरी मार्केट फिक्स इनकम सिक्योरिटीजर्ड अगर यहां पर ही सॉरी बत्तीस में पूछता हुआ कि कहां पर इश्यू होते हैं तो प्राइमरी मार्केट कहां पर ट्रेड होते हैं सेकेंडरी मार्केट द फिक्स इनकम सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इफ एनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है आपको जल्दी से पैसा रिकवर हो जाता है और आप लोग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए उनमें पैसा लगा सकते जब आपको पैसे को जल्दी ही जरूरत पड़ने वाली हो ना तो यहाँ पे सीधे से लिखा होगा इशूड फॉर लेस देन वन ईयर बाकी जो डिनोमिनेशन छह से नौ नौ से ऑल दिस इज नॉट करेक्ट एक साल से कम कम वाले इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग जनरली बोल देते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो कि लिक्विडिटीज के लिए बनाए जाते हैं रिलेशनिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड मेच्योरिटी ऑफ डेट मल्टीपल पीरियड यह बेसिकली क्या होता है सर ईल्ड कर् बड़ी डिटेल में तो नहीं मैं चाहूंगा थेटिकल पार्ट है बट थोड़ा सा सुन लो ईल्ड कर्व क्या होता है हमारे पास ईल्ड कर्व इज बेसिकली अलग अलग बॉन्ड का या सेम बॉन्ड का ही अलग अलग मेच्योरिटी

और वोलेटिलिटी भी बोल देते हैं हियर फर्स्ट सेक्शन ऑफ द डिस्कशन एंड थैंक यू सो मच प्लीज गो थ्रू इट वंस